तो काफी सारे अलग अलग बजट के स्टूडियो मॉनिटर्स को ट्राई करने के बाद आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं जो कि सस्ते स्टूडियो मॉनिटर्स को महंगे स्टूडियो मॉनिटर्स से अलग बनाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉयमन ने अपने प्रीमियम स्टूडियो मॉनिटर्स मेरे को टेस्ट करने के लिए भी भेजे हैं जो कि है KH120s Mark II। और क्योंकि मैं Adam E7Vs पहले से यूज कर रहा था तो मैं एक फेयर कंपैरिजन कर पाया और मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करूंगा इस वीडियो में इन मॉनिटर्स के बारे में जो कि लिटरली आपके होश उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 5 डिफरेंसेस बता देता हूं जो कि प्रीमियम मॉनिटर्स को अलग करते हैं बजट मॉनिटर्स से। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी या फिर जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उसको बनाने के लिए उनकी क्वालिटी कैसी है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं बजट रेंज की बात करूं तो जो बजट रेंज के स्टूडियो स्पीकर्स हैं वो ज्यादातर या तो फाइबर बोर्ड से बने होते हैं या तो लो क्वालिटी के MDF बोर्ड से बने होते हैं। वेयर एज अगर मैं प्रीमियम रेंज की बात करूं तो वो या तो एल्युमिनियम से बनते हैं या तो बहुत हाई क्वालिटी MDF से बनते हैं। और अब अगर बजट रेंज के मॉनिटर्स के ट्वीटर्स की बात करें तो उनकी ना ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि जो प्रीमियम स्टूडियो मॉनिटर्स हैं उनमें ज्यादातर रिबन के ट्वीटर्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एल्युमिनियम से बनता है। या फिर अगर मैं KH120s की बात करूं तो इनके जो ट्वीटर्स हैं वो टाइटेनियम से बने हैं। डोंट वरी, आईफोन से काफी ज्यादा मजबूत है। और अगर मैं KH120s के एंक्लोजर की बात करूं तो वो कॉम्पोजिट पॉलीकार्बोनेट से बना है। तो आप में से जितने लोगों को नहीं पता, इसका जो पहला वर्जन था KH120A वो साल 2010 में लॉन्च हुआ था, तो उसका जो एंक्लोजर था वो एक्चुअली एल्युमिनियम का था। तो एल्युमिनियम से वुड पे स्विच करने का रीजन बहुत ही सिंपल था, मार्क टू काफी ज्यादा लाइट वेट हो गए है, एट द सेम टाइम उनमें रेजोनेंस भी कम है जिस वजह से आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो अब काफी बेटर हो गई है। अगला पॉइंट जो कि बजट मॉनिटर्स को प्रीमियम मॉनिटर से डिस्टिंग्विश करता है वो है अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर्स और क्रॉसओवर्स। तो जितने लोगों को नहीं पता ड्राइवर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली जो आपके कोन है जहां से आपको आवाज सुनाई देती है अपने स्पीकर से उनको हम ड्राइवर्स बोलते हैं। और यहीं पे क्रॉसओवर वो डिवाइस है जो कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज को स्प्लिट करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज ट्विटर में जाएंगी कौन सी फ्रीक्वेंसीज वूफर में जाएंगी। तो अगर मैं KH120s की बात करूं तो ये एक फेज लीनियर क्रॉसओवर के साथ आते हैं जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, जिसका सिंपल सा फायदा है आपके मॉनिटर्स में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, जिस वजह से फ्रीक्वेंसीज का जो बैलेंस है एम्पलीट्यूड है वो भी मेंटेन होकर सुनाई देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो भी प्रीमियम मॉनिटर्स होते हैं ज्यादातर जो भी हाई रेंज के मॉनिटर्स होते हैं वो एक्चुअली DSP पावर्ड होते हैं। तो जितने लोग नहीं जानते हैं, DSP होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि एक्चुअल में आपके स्मार्टफोन्स में आपके हेडफोन्स में आपके सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है, और जो भी कैलकुलेशन वाला काम होता है कन्वर्जन वाला काम होता है वो काफी एफिशिएंटली करता है। तो इसका अगर हम एक मजेदार एग्जांपल ले ऑडियो फील्ड से रिलेटेड, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने UAD के इंटरफेसेस के बारे में तो सुना ही होगा। तो जो भी DSP पावर्ड इंटरफेसेस होते हैं उनका सिंपली मतलब ये है कि जब भी आप UAD के प्लगइन्स यूज करेंगे तो कुछ प्लगइन्स का लोड वो अपने ऊपर ले लेगा, यानी एक्चुअल में वो जो ऑडियो इंटरफेस है अब वो आपके CPU का काम करेगा और वो भी प्लगइन्स का लोड शेयर करेगा, जिस वजह से डेफिनेटली जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। तो वही सेम चीज हमें KH120 Mark II में देखने को मिलती है, उनकी ऑडियो क्वालिटी काफी बेटर हो गई है, काफी प्रिसाइज सुनाई देती है, एट द सेम टाइम आप उस पे लाउड लेवल्स अचीव कर सकते हो बिना डिस्टॉर्शन के। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी उसकी सराउंड साउंड की कैपेबिलिटीज है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक मेजर फैक्टर जो कि आपकी कॉस्ट को डिटरमिन करता है वो ये है कि आपके मॉनिटर्स एक्टिव हैं, पैसिव हैं या फिर पावर्ड है। तो इसको आप लोग आसान भाषा में इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो हो गए आपके साउंड कार्ड जिनके अंदर बिल्ट इन प्रीएम्प्स होते हैं, बिल्ट इन कन्वर्टर्स होते हैं, और एक हो गए प्रोफेशनल स्टूडियोज जहाँ पे आपको प्रीएम्प्स और कन्वर्टर्स अलग देखने को मिलते हैं। सो यही सेम चीज मॉनिटर्स में भी अप्लाई होती है, जो भी एक्टिव या पावर्ड मॉनिटर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एम्पलीफायर बिल्ट इन होता है, जिस वजह से आपको सिर्फ उनको प्लग करना होता है और आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम पैसिव मॉनिटर्स की बात करें तो उनके लिए आपको एक एक्सटर्नल एम्प परचेज करना पड़ता है, उनके अंदर बिल्ट इन एम्प नहीं आता है, जो कि कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है, वहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डिफरेंट एम्प्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक्टिव स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करें, बिकॉज एक बार अगर आपका कान बैठ गया स्टूडियो मॉनिटर्स की साउंड पे तो आप बार बार एम्प्स तो चेंज करोगे नहीं। और अगर मैं KH120s की बात करूं तो ये क्लास डी एम्पलीफिकेशन के साथ आते हैं जो कि टॉप ऑफ द लीग है। और पांचवा पॉइंट जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि जो फाइनल स्पीकर्स की कॉस्ट होगी मार्केट में वो कितनी होगी, वो है R&D। तो स्टूडियो मॉनिटर्स को बनाने के पीछे काफी ज्यादा रिसर्च लगती है, काफी सारे हिट एंड ट्रायल्स होते हैं, काफी सारे एम्प्लॉयज की सैलरी होती है, रिसोर्सेज के पैसे होते हैं, लीगल फीस होती है, अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाने की कॉस्ट लगती है, फिर स्टोरेज और पैकेजिंग आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू होगी मार्केट में वो कितनी होगी। बिकॉज अगर मैं नॉयमन की बात करूं तो इनकी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो जर्मनी की है, कोई भी पार्ट इंपोर्ट नहीं होता बाहर से और सब जर्मन में बनते हैं, सब जर्मन में असेंबल होते हैं, तभी आप लोग उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा बजट स्टूडियो मॉनिटर्स में और प्रीमियम मॉनिटर्स में, और ये भी समझ आया होगा कि जो बजट स्टूडियो मॉनिटर्स वाली कंपनीज है वो अपनी कॉस्ट कहां पे बचाती है।
तो इन मॉनिटर्स को मैं लास्ट कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड मैंने कुछ इनके प्रोज और कॉन्स ऑब्जर्व किए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक पैरेलल कंपैरिजन शेयर करूंगा कि दोनों में मेरे को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीजें मेरे अकॉर्डिंग उसके अंदर एड ऑन हो सकती है जो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको और बेटर करें। तो सबसे पहले अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि केएच 120 में मैंने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जो शायद मेरे को एडम्स में नहीं मिला, सबसे मेन चीज जो मेरे को रियलाइज हुई वॉज द टाइट लो एंड, क्योंकि कहीं ना कहीं एडम्स के साथ मेरे को एक सब बेस भी लगाना पड़ा था, स्पेशली व्हेन आई वाज मिक्सिंग लंच ब्रेक, बिकॉज वहां पे मेरे को रियलाइज हो रहा था कि काफी सारे लो एंड के एलिमेंट्स है, स्पेशली क्योंकि हिप हॉप गाने हैं लो एंड काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं एक सब बेस ले आया था। लेकिन जब मैंने इन मॉनिटर्स को प्लग इन किया, जब इनको यूज किया, तो कहीं ना कहीं आई रियलाइज्ड कि इनका ऑलरेडी लो एंड काफी ज्यादा टाइट है, इवन दो वो आपको सब फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाएगा, चूंकि ऑब्वियस सी बात है एक सब वूफर ही देता है, लेकिन जो लो एंड का स्पेक्ट्रम था वो मेरे को काफी ज्यादा क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रहा था एंड मैं कोई भी गाना सुन रहा था तो मैं उसको ट्रांसक्राइब कर पा रहा था इजिली कि वहां पे कौन से नोट्स प्ले हो रहे हैं, कौन सा पैच यूज किया है, बेसिकली जो भी टोन है उसकी डेप्थ में जा पा रहा था। उसके अलावा मेरे को एक पॉइंट ये फील हुआ कि जिस बजट में ये मॉनिटर्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो ड्राइवर दे रहे हैं वो काफी छोटा है, विच इज जस्ट 5.25 इंचेस। सो मेरे को एक चीज फील होती है कि अगर आधा इंच भी ड्राइवर्स और बढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं जो मिड सेक्शन है वो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमें सुनाई देगा। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करूं तो मेरे जो एडम्स हैं वो लगभग 40,000 हर्ट्ज तक जाते हैं, वेराज अगर मैं नॉयमैन की बात करूं तो ये 20-22,000 हर्ट्ज तक जाते हैं, लेकिन मुझे वो मेजर डिफरेंस फील नहीं हुआ एडम्स और इसमें। रादर मेरे को ये फील होता था कि एडम्स में जो टॉप एंड है वो काफी ज्यादा क्लियर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मेरे को बाद में सोनार वर्क से या फिर उसके इनबिल्ट ईक्यू से थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता था। वेराज अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें हाई एंड काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है, काफी ज्यादा टाइट साउंड करता है, बट पर्सनली अगर मैं अपने कानों के हिसाब से ईक्यू करता तो डेफिनेटली मैं हाई मिड्स में एक छोटा सा बूस्ट दे देता। लेकिन एक चीज जो मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा बहुत मन है इनका एक पेयर ओन करना, बिकॉज मेरे को ये फील होता है कि इवन दो इनके ड्राइवर का साइज छोटा है बट इनके साथ ट्रैवल करना बहुत आसान होगा, एंड ये जो क्वालिटी देते हैं, इनकी जो ओवरऑल साउंड है, आई वुड रियली वांट कि इनको मैं अपने पोर्टेबल सेटअप में इंक्लूड कर लूं और कहीं ना कहीं मैं अपना काम वहां से भी एफिशिएंसी के साथ डिलीवर कर पाऊं। बाकी ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज पर्सनली क्योंकि मेरी भी विशलिस्ट में है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इनमें इन्वेस्ट कर पाऊं, बिकॉज मैंने और भी मॉनिटर्स ट्राई किए इस रेंज में, जैसे कि जेनेलेक्स हो गए, एडम तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं कितना डाई हार्ड फैन हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे को कंफर्ट नॉयमैन के साथ फील हुआ वो मुझे और किसी ब्रांड के साथ नहीं फील हुआ। एंड अगेन इससे मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा अपने मॉनिटर्स को जो मेरे पास ऑलरेडी है, आई टोटली लव माय करंट मॉनिटर्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कोप है इंप्रूवमेंट का और वो मेरे को दिखा जब मैंने इनको यूज किया। कुछ चीजें उनकी अच्छी है, कुछ चीजें इनकी अच्छी है, आई वुड रियली वांट मैं दोनों को एक साथ यूज कर पाऊं। बाकी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल है स्टूडियो मॉनिटर्स से रिलेटेड कि किस बजट में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या प्रिसाइसली कुछ नॉयमैन के मॉनिटर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। ऑल द वेरी बेस्ट। भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद तो आइंस्टाइन वाली फील आ रही है। अच्छा लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ पूछ। तूने बोला कि ये मॉनिटर्स कंपनी ने तेरे को टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। हाँ तो तुझे उन्हें वापस भी करने होंगे। हाँ हाँ पर तू पूछ क्यों रहा है? मैं तो बस सोच रहा था कि अगर तेरे से गलती से ये मॉनिटर्स टूट गए तो क्या तुझे पैसे देने पड़ेंगे या। तो आज के टाइम के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा कि आप एक्टिव स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करो। क्या बोला मैं? इन्वेस्ट करूंगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। बैगन की जो फाइनल स्पीकर्स की कॉस्ट होगी मार्केट में वो कितनी होगी? वो है R&D। अरे R&D। तुमने ओवर एक्ट कर दिया जबरदस्त वाला।